प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब घर पे कुशल और मंगल हो। ठीक है, तो हम घर पे बैठे बैठे कुछ पढ़ाई करेंगे। आज मैं आपको हिंदी में स्वर सिखाऊंगी। क्या सिखाऊंगी? स्वर। ठीक है, तो चलो हम पढ़ाई शुरू करते हैं। स्वर का पहला वर्ण है अ। क्या है स्वर का पहला वर्ण? अ है। तो आप क्या लिखोगे? अ से अनार। कैसे लिखोगे? पहले आपको थ्री लिखना है, उसको थ्री को थोड़ा ऊपर पाक ले लेना है, ऊपर को दाग कर थोड़ा लेना है और यहाँ पे स्लिपिंग लाइन करके उसको टच करके स्टैंडिंग लाइन करना है और स्टैंडिंग लाइन के ऊपर ही आपको थोड़ा सा स्लिपिंग लाइन रखना है। ठीक है, इसे कहते हैं अ से अ। वापस देखो हाउ टू प्रेसिंग अ। पहले आपको थ्री लिखना है, थ्री को थोड़ा ऊपर बढ़ाना है, जॉइंट में से स्लिपिंग लाइन करके उसको टच करके स्टैंडिंग लाइन करके ऊपर थोड़ा सा डैश रखना है, इसे कहते हैं अ से अ। ठीक है, तो आप नोटबुक में अ से अ कैसे लिखोगे? नोटबुक में आपको ओनली टू टाइम्स लिखना है अ से अ। ये रेड लाइन को टच करके आपको अ से अ ये दोनों लाइन के अंदर ही लिखना है और से यहाँ पे वन लास्ट में से वन फिंगर स्पेस करके आपको यहाँ पे छोटी थ्री लिखना है, अ से अ लिखना है। कैसे लिखोगे? अ से अनार, और दोनों लाइन को टच करके आपको अ से अनार लिखना है। ठीक है, आप बोल बोल के लिखोगे तो आपको याद रहेगा और आप पिक्चर रिकॉग्नाइज करेंगे। ये है अ से अनार। फिर अ के बाद आता है आ। क्या आता है? आ। तो आ हम कैसे लिखेंगे? जैसे सेम वे आपको पहले थ्री लिखना है, ठीक है, फिर थ्री के जॉइंट पार्ट में से आपको स्लिपिंग लाइन करके टू स्टैंडिंग लाइन करना है। हाउ मेनी स्टैंडिंग लाइन्स आर देयर? टू। अ में सिंगल लाइन, आ में डबल लाइन। पहले देखो वापस थ्री लिखो, थ्री के जॉइंट पार्ट में से स्लिपिंग लाइन ले लो और दो डैश स्टैंडिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन के ऊपर ही आपको डैश करना है, इसे कहते हैं आ से आ। सेम वे आपको यहाँ पे आ भी नोटबुक में रेड लाइन को टच करके थ्री लिखना है, डैश करके टू स्टैंडिंग लाइन करके आ लिखना है। यहाँ पे भी वन लाइन वन फिंगर स्पेस लिख के आपको ऐसे आ लिखना है। ऐसे आम होता है, आम फलों का राजा होता है। बीच में जो स्पेस है आपको वहाँ पे नहीं लिखना है, ऐसे आपको कंटिन्यू आ लिखना है। आ से आम, आ से आम, ये साइड में भी आपको आ से आम लिखना है। ये पूरा फुल पेज आपको कंटिन्यू करना है। आ के बाद आता है हमारा छोटी ई। क्या आता है आ के बाद? छोटी ई से इमली, जो कि बहुत खट्टे मीठे होता है और आप सबको पसंद है। सो हाउ टू राइट छोटी ई? देखिए, आपको पहले स्लिपिंग लाइन बड़ा सा लेना है और मिडल पॉइंट में से आपको वन लेके एस फॉर सॉन लिखो, फिर उसको टर्न करके टेल्स निकालो। लुक एट अगेन, स्लिपिंग लाइन वन एस फॉर सॉन टर्न एंड डैश, इसे कहते हैं छोटी ई। छोटी ई से होता है इमली। क्या होता है? इमली। छोटी ई से इमली। तो आप यहाँ पे भी नोटबुक में आपको इसे स्लिपिंग लाइन करके डैश करके छोटी ई लिखना है, ओनली टू से। ये मिडल में जो स्पेस है आपको यहाँ पे कम्प्लीटली नहीं लिखना है, बुक को ऐसे ही ब्लैंक रखना है। ओनली वन लाइन यहाँ पे रेड लाइन को टच करके लिखना है फुल, और यहाँ पे भी आपको ई ऐसे लिखना है। ये होता है छोटी से इमली। देन छोटी ई के बाद आता है बड़ी। क्या आता है? बड़ी। तो बड़ी आप कैसे लिखोगे? बड़ी से ई कहलाते हैं। पहले स्लिपिंग लाइन करो, मिडल पॉइंट में से वन लो, इस पर सन करके टर्न करके टेल्स निकालो और जहाँ पे आपने वन लिखा था वहाँ से ही आपको ऊपर कैप निकालना है। आपको ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे स्लिपिंग लाइन किया, वन किया, इस पर सन कर किया और यहाँ से ले लिया, यहाँ पे नहीं लिया, तो ये डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। सेम थिंग्स, यहाँ से ही आपको ये से लोगे तो ये रॉन्ग है। ठीक है, तो आपको कैसे लिखना है वापस देखो। स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन इन द मिडल पॉइंट, एस फॉर सन, फिर उसको टर्न करके टेल्स निकालो और ये मिडल पॉइंट में से ही आपको टर्न करना है, उसको कैप पहनाना है, इसे कहते हैं बड़ी से ईक। क्या कहते हैं? बड़ी से ईक। तो आप नोटबुक में कैसे लिखोगे?
नोटबुक के राइट साइड पेज में ही आपको सब लिखना है। छोटी से इमली लिखा और ये जो टर्न है ऊपर कैप है उसको लाइन के बाहर जाने देना है, इसे लिखना है बड़ी से ईख। ये दोनों लाइन को भी आपको कंप्लीट करना है, बड़ी से ईख, बड़ी से ईख, बड़ी से ईख, बड़ी से ईख। तो बच्चों आज हमने सीखा अ से अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख। आज हमने स्वर का चार लेटर सीख लिया है। अगेन अ से अनार, आ से आम, छोटी से इमली एंड बड़ी से ईख। ये आपको घर पे कंप्लीट करना है, बुक को गंदा नहीं करना है, लाइन टच करके अच्छे से आपको करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए और दूसरा स्वर का वर्ण लेके आऊंगी। टिल देन टेक केयर, ओके, बाय बाय।